आज के वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का यूज़ तो हम लोग फिजिक्स में बहुत देखें, लेकिन ज्योग्राफी में कहाँ पे यूज होता है आज वो हम लोग देखेंगे। वही रिफ्रैक्शन जिसमें शीशा के गिलास में पानी रखने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो टिल्ट होकर दिखाई देता है या फिर हल्का बेंड दिखाई देता है, वही रिफ्रैक्शन देखेंगे ज्योग्राफी में कहाँ पर यूज होता है। पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन। तो वेन लाइट रेज इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड एंड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आल्सो चेंज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन। उस एक्सपेरिमेंट में भी देखते थे, एयर फर्स्ट मीडियम था और वाटर सेकेंड मीडियम था। जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ऑब्जेक्ट जाता था तो हल्का टिल्ट दिखाता था या फिर हल्का सा बेंड दिखता था। अब देखते हैं यूजेज ऑफ रिफ्रैक्शन इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में रिफ्रैक्शन का यूज कहाँ पे होता है? तो रिफ्रैक्शन के वजह से सीज़मोग्राफ अर्थक्वेक का वेव नहीं रिकॉर्ड कर पाता है। अब ये होता कैसे है? तो कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आता है तो बेंड हो जाता है। इसी कारण से धरती के एक साइड पे वेव नहीं पहुंच पाता है, और जहाँ पे वेव नहीं पहुंच पाता है उसको शैडो जोन बोलते हैं। जैसे इस डार्क साइड में शैडो जोन है जहाँ पे वेव नहीं पहुँच पाया, उसी तरह शैडो जोन का डिफिनेशन हो जाता है वेयर सीज़मोग्राफ विल नॉट रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वेव। सीज़मोग्राफ एक डिवाइस होता है जो अर्थक्वेक के वेव नापने का काम में आता है। इस इमेज से डिटेल्स समझते हैं कैसे होता है। कोई भी वेव आया जो मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर किया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया, और कोर के कारण यहाँ पे शैडो जोन बना। अब इस वेव को बोलते हैं एस वेव शैडो जोन। अगर एस वेव शैडो जोन के पास हम सीज़मोग्राफ लगाते हैं तो ये अर्थक्वेक वेव को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। दूसरा है पी वेव शैडो जोन, जो बनता है 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में। कारण वही है रिफ्रैक्शन। कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो बेंड कर जाता है, इस कारण से कहीं पे वेव नहीं पहुंच पाता तो वहां पे बन जाता है शैडो जोन। इसमें दो टर्म आया है, एस वेव शैडो जोन और पी वेव शैडो जोन। अब देखते हैं एस वेव शैडो जोन और पी वेव शैडो जोन क्या होता है। पी वेव होता है जिसमें वेव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये सॉलिड लिक्विड और गैस में होता है। सॉलिड में वेलोसिटी ज़्यादा होता है इसका, पी वेव का। चेंज डायरेक्शन व्हेन पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अपना डायरेक्शन बदल लेता है। आगे देखते हैं एस वेव। एस वेव ट्रांसवर्स होता है और ये सॉलिड में होता है सिर्फ।